देश भर में लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों ने एक बार फिर से लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हरोला सब्जी मार्केट में। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्याज की कीमतें आखिर क्यों बढ़ रही है और इस कीमत के बढ़ने से आम लोगों की ज़िंदगी पर, आपके ज़िंदगी पर किस तरह से असर डाल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अमन कुमार और आपका स्वागत है एक बार फिर से आइजोम्स स्पेशल में। जब प्याज कटती है तो आंख से आंसू निकलते हैं, पर इस वक्त प्याज के कटने से नहीं बल्कि खरीदने में आंसू निकल रहे हैं। देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा है। पहले प्याज तो 30 रुपया 40 रुपया बिक रही थी, अब दुना भाव हो जाने से प्याज का बिक्री कम हो गया। इतना हाई फाई रेट में कौन सब्जी खरीद सकता है? जो एक किलो ले जाता था वो आधी किलो ले जा रहा है, पाव भर ले जा रहा है। इसमें सरकार की कुछ कमी है? सरकार की कमी है कि आगे से बैलेंस इसको रोक कर भेजें। सरकार तो कहती है कि हम महंगाई कम कर रहे हैं। महंगाई क्या कम है इसमें? जो कि मान लीजिए 30 रुपया पर जो प्याज बिक रही है, 40 रुपया 80 रुपया बिक रही है, वो प्याज की महंगाई कहाँ गई? इसका कुछ असर पड़ेगा? बहुत गारमेंट्स सब चुनाव पर पड़ेगा, पड़ेगा ही। पर बिक्री तो कमी हो रही है। पहले 40 रुपये किलो प्याज बिक रही थी, अब 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो बिक रही है। अभी तो बीच में 80 हो गई थी, अब 60 रुपये किलो बिक रही है। नई प्याज अभी आ नहीं रही है, थोड़ी फसल लेट है इसलिए, लेकिन जो है 10-15 दिन में आ जाएगी, नॉर्मल रेट हो जाएंगे 40-50। सामान्य कब तक हो जाएगी? 40 रुपये वाला रेट कब लग जाएगा? एक महीने करीब लग जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त प्याज 80 से 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की भी हालत कुछ कुछ ऐसी ही है। जहां लोग पहले 1 किलो प्याज खरीदते थे, तो वहीं अब 250 ग्राम प्याज खरीदने में भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। भाई क्या करेगा जी, कहां से खरीदे? भाई कहां से खरीदे आदमी? बजट तो इतना है नहीं, 80-90-100 रुपया तक बिकी हो, और फिर टमाटर भी को 250-300 रुपया, कहां से आदमी लाए खर्चा बताइए आप। कई महंगाई, क्या महंगाई कम कर दी? कोई महंगाई कम नहीं करी, बराबर लगी महंगाई। कहा तो आदमी खर्चा पूरा करे। 20 रुपए किलो था, वहाँ 80 रुपए किलो हो गया। आज के डेट में इतना महंगाई हो गया कि लोगों से लिया नहीं जा रहा है। जो 1 किलो ले रहा था वो पाव भर ले रहा है आज के डेट में। खरीद रहे हैं प्याज? खरीद कहाँ रहे, मूली से काम चलता है, प्याज 100 ग्राम से काम चलता है। रसोई पे इसका खासा असर पड़ा होगा? बहुत पड़ रहा है, घर से देना पड़ रहा है, गाँव से मंगा के ला कहाँ खा रहे हैं। 80 रुपए किलो प्याज, 20 रुपए किलो, इतना महंगाई हो। कोई भी सब्जी ले लो आज के डेट में इतना महंगाई है, कोई नहीं लेने पा रहा। आलू जहाँ 10 रुपए किलो था, आज के डेट में 20 रुपए 25 रुपए चल गया है। देखिए सर, ऐसा है प्याज की कीमतों पे आधी आधी आधे से भी कम बिक्री हो रही है। जैसे हमारी 100 किलो प्याज बिकती थी रोज, तो 50 किलो बिक रही है। जहाँ 200 किलो बिकती थी वहाँ 1 क्विंटल बिक रही है। हाफ रेट मतलब हाफ बिक्री हो गई है हमारी। क्यों? 2-3 गुनी प्याज की, 30 रुपये किलो थी, एक दफ़ा 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो पे। पीछे से माल नहीं है, पीछे से क्या है कि हमारा 15-1 महीने तक नया प्याज नहीं आएगा, और आ भी गया है तो ना के बराबर। तो व्यापारी जो तगड़े तगड़े हैं, उन्होंने पीछे से रोक लगा रखी है प्याज पे, और राजनीति करते हैं, इसलिए ये माल के ऊपर डिमांड है, इसलिए प्याज ज़्यादा जो है इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। हर बार जब प्याज महंगा होता है तो सरकार कहती है कि अगले बार से नहीं होगा। हाँ, हो जाती है। वो तो ऐसा है, देखो ये तो हमेशा होता चला आया कि माल के ऊपर है। जैसे माल अगर है ही नहीं हमारे हिंदुस्तान में, तो उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ जाती है। केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को एक अहम फैसला लिया था, जिसके बाद DGFT ने प्याज के निर्यात मूल्य $800 प्रति टन घोषित कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ जाएगी और प्याज की कीमतें कुछ दिनों में सामान्य हो जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब प्याज की कीमतों ने आसमान छुआ है। इससे पहले भी प्याज की कीमतों ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हर बार सरकार कहती है कि अगली बार से कीमतें नहीं बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान में जो कीमतें हैं वो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलता है। आपको याद होगा कि 1998 में दिल्ली की सुषमा स्वराज की सरकार प्याज में लग रहे आग की वजह से, बढ़ रहे कीमत की वजह से गिर गई थी। अब देखना ये होगा कि जो प्याज की कीमतें हैं वो सामान्य कब होती है। कैमरामैन दीपक और मेरे सहयोगी ब्रजेश के साथ मैं अमन कुमार, आइजोम्स न्यूज़, दिल्ली।